आपकी जो 37 बॉल्स पे सेंचुरी थी वो सचिन तेंदुलकर के बैट से बिल्कुल आपने, तो उसके बाद वो बैट कहीं यूज नहीं किया आपने? नहीं, अभी भी रखा हुआ, इसलिए कि वो काफी इंजर्ड हो गया है। अच्छा। उसके दिन आराम गए हैं। वो काफी खेला था, वो भी मैच से एक दिन पहले विकी भाई ने मुझे दिया वार्म अप के लिए कि पठान ये लो इस बैट से आज खेल के। अच्छा, देखो। ऐसे रैंडम ही? वैसे ही मेरा पहला मैच था ग्राउंड में, सारे मैं अपने सुपर स्टार्स के साथ, वसीम भाई, विकी भाई, रमीज भाई वगैरह, ये जितने भी बड़े नाम, इनसी भाई, मोइन भाई, इनके साथ मैंने पहली दफा स्टार्ट, एक अंडर 19 के बच्चे, तो उन्होंने, लेकिन मुझे किस्मत अच्छी थी कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, जो टैलेंट आता था उनका ख्याल वो रखते थे, उन्हें रखना आता था कि किस लड़के के अंदर कितनी क्रिकेट है, कितनी खेल सकता है। अच्छा। तो हमारे, मैं बहुत लकी था कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं, पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है कि नहीं है, हमने सुना है कि आप प्रोवोक बड़ा करते थे गौतम गंभीर को खुद, क्या ये सच है? यार क्रिकेट के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, सिर्फ गौतम की बात नहीं, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप अप हो गया, बहुत ज्यादा की है। अच्छा, वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी रेपुटेशन इंडियन टीम में भी उसी तरह की ही है। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ वो, अब मैं समझता हूँ कि चले प्रोग्राम में कोई और पॉजिटिव बातें करते, गंभीर की कोई पॉजिटिव बात बता दे। बड़े कम इंडिया के ऐसे ओपनर बैट्समैन मैंने देखे जिनकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है बैटिंग के अंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है क्रिकेट पे, नो डाउट क्रिकेट में, क्रिकेट क्वालिटी आई थिंक उनकी बहुत। तो एक और चीज आज हद कर दी, मैं आप देख रहे हैं कि लाला से सारे स्टोरीज तो सुन ही लेते हैं कि लड़ाई किस तरह हुई, आज लाला गंभीर की जो क्रिकेट है, क्रिकेट टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं आप लाला हमेशा हमेशा, तो वो क्रिकेट जिस मर्जी दुनिया में हो, जिस मर्जी मुल्क का जो अच्छा क्रिकेटर है उसको अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। जिस तरह हमारे मुल्क में आई थिंक विराट कोहली के बड़े फैन, बहुत फैन है विराट के, सचिन के बहुत फैन हैं, बहुत सचिन के मैं फैन रहा हूं, बहुत बड़ा फैन, उसी की बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। सबसे पहले तो हम सचिन भाई का शुक्रिया अदा कर दे, आपने वो बैट दिया, आगे भी हमारे जितने बच्चे हैं उनको भी आप अपने बैट दे, नॉट दैट उसकी वजह से होता है, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि उस बैट से जब वो खेलता था जीरो पे भी आउट हुआ है। भाई अब आप ही अंदर की बात बता दें, मेरी जिंदगी में पर्सनली जो एक ऐसा क्रिकेट का इंसिडेंट है जो आज तक अगर मैं याद करूं तो एकदम बंदे को दर्द सी नहीं होती, खिंच पड़ जाती है, वो 2011 जो मिसबा भाई खेल रहे थे। अच्छा, मैं ये समझ कि तुम कोई अपना लड़की का वाक्य सुना रहे हो। नहीं शायद भाई, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन वो बताएं, और उसके बाद काफी देर लोगों ने मिसबा भाई पर भी बात की कि अगर उस वक्त वो किसी और तरह खेलते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारा हो जाता। ऑन ग्राउंड असल में क्या गेम थी, क्योंकि दुनिया ने तो सारा, दुनिया के मुताबिक तो ये रीजन था। देखिए, हमारी एक तो फील्डिंग, हमने 2011 में ही कप्तान था उसमें, और मेरे ख्याल में हमने बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग की, बड़े अच्छे स्पेल वहाब रियाज की तरफ से भी आए, हमने उनको 180 पे आउट करना था, लेकिन 180 पे आउट नहीं कर सके। फील्डिंग, क्योंकि फील्डिंग का रोल हमेशा से क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, 5-6 कैचेस छोड़े हैं हमने, और फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 180 में आउट कर देंगे, तो फिर वो स्कोर भी बड़ा हो गया था, लेकिन ये था कि हमने अच्छा स्टार्ट किया। देखिए, मिसबा की परफॉर्मेंस उस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त थी, आई नो कि मिसबा को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन मिसबा वहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेयर है, सिचुएशन को रीड नहीं कर पाया कि हमें इसको और किस तरह, उसका अपना प्लान था खेलने का कि हम बाद में कवर कर जाएंगे, लेकिन विकेट के पीछे विकेट गिर रही होती तो मुश्किल हो जाता है। तो कि हर एक लड़के ने कोशिश की, कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, हर लड़के ने एफर्ट की है तो जाके सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वेरी गुड, वेरी गुड, और वाकई वो बड़ा एंटरटेनिंग कप था आपकी लीडरशिप के अंदर। थैंक यू। इससे पहले कि मैं अपने सवाल कंटिन्यू करूं, जो आपके फैंस हैं, ये जो पाकिस्तानी बच्चे बैठे हैं, जो जिनका दिल इनके पास नहीं आपके पास है, वो आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे खुशी होगी कि मेरा पाकिस्तान मुझसे सवाल पूछिए, पूरा पाकिस्तान बैठा है आपके सामने, ये फ्यूचर है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं जी, पूछे जी, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन भाई, सवाल मेरा शाहिद भाई से है, वैसे मैं फैन आप दोनों का हूँ और मैं इनका फैन हूँ। माइक करीब कर लो थोड़ा, माइक करीब। हाँ शाहिद भाई, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, 2014 में जब एशिया कप हो रहा था तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहा था, तो बार बार विकेट्स पर विकेट्स गिरती जा रही थी, लेकिन आप पिच के ऊपर खड़े थे और लास्ट ओवर था, 10 स्कोर चाहिए था, अश्विन बॉल कर रहा था और पहली बॉल पे सईद अजमल आउट हो गए आपके बिल्कुल सामने, उसके बाद 2 छक्के आपने लगा दिए उसी ओवर में, तो शाहिद भाई उस वक्त हम लोगों के सामने तो आपने बड़े आराम से 2 छक्के लगा दिए, हमने देख लिए, लेकिन उस वक्त आपके जो सिचुएशन थी वो ग्राउंड में, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी?
मैं बैठ के नहीं सुन सकता क्योंकि ये मैं टीवी पे भी जब देखता हूँ ना लाला वही बात है, ऐसे लगता है कि कोई दिली मामला हो गया। नहीं नहीं उसामा पहले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नंबर प्लेट आपने जो है ना अपनी शर्ट पे लगा ली है। थैंक यू सो मच। अच्छा वो सवाल बिल्कुल ठीक था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लोगों को नजर नहीं आ रहा होता कि हमारे ऊपर से अंदर से क्या गुजर रही होती है। अगर मैं नेगेटिव थॉट्स लेके आता तो फिर मेरे नहीं ख्याल के मैं कर पाता, लेकिन मैं वहां पे पॉजिटिव ही था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा लाला अगले सवाल से पहले, उसके बाद वो जब इतनी बड़ी जीत थी उसके बाद हफ्ते तो खाबे चले होंगे, सेलिब्रेशन, रोटियां, बकरे आ रहे हैं, मतलब उसके बाद वाला हफ्ता क्या था? नहीं नहीं उसके बाद ये था कि हम लोग होटल के, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैच जीते। उसके बाद जो हमारा दो दिन के एक दिन के बाद एक और मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, वो अगेंस्ट बांग्लादेश था। बिल्कुल सही। वो वहाँ पे 50 बॉलों पे मेरे ख्याल में 100 रन चाहिए थे और हमारे ऊपर से आउट हो गए थे, तो वो मैच उससे भी ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए, इसलिए कि वहाँ बांग्लादेश के क्राउड में खेलना, और वहाँ तो बांग्लादेश चाह रहे थे कि हम किसी तरह पाकिस्तान से जीत जाए, उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो वो मैच की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि देखिए क्रिकेट के अंदर अच्छे दिन बहुत कम आते हैं, और अच्छे दिन वैसे भी आप लोगों को पता है कि अच्छे दिन जल्दी गुजर जाते हैं, मुश्किल दिन नहीं गुजरते। जब हम परफॉर्म नहीं करते थे ना तो हमारे बस यार कब अगला मैच होगा, तो वो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते थे। तो ये है कि वो फिर नेक्स्ट बांग्लादेश से मैच हुआ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, तो डे बाई डे इन्जॉय करते रहते हो चीज़ों, अगर अच्छा होता है तो आप इन्जॉय करते हो, नहीं करते तो फिर हम कोशिश करते हैं। कोई एक 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 स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ सेलिब्रेशन होता था कि जब कोई बड़ा मैच जीते थे तो बॉयज सारों ने कोई एक रेस्टोरेंट जाना या एक किस्म की डिश आनी है? हाँ इस तरह होता था, एक टीम वो उसी वक्त जाती थी जब मैनेजमेंट अरेंज करती थी, लेकिन जब लड़के अपने होते थे तो जो जिन लड़कों की जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, 5-6 लड़के एक ग्रुप हो गया, 5-6 लड़कों का दूसरा ग्रुप हो गया, वो अपने अपने जाते हैं रेस्टोरेंट इन्जॉय करते हैं पूरे दिन पे, व्हाई नॉट, वो तो करना चाहिए इन्जॉय, अचीवमेंट को तो इन्जॉय करना चाहिए जी। सेलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिजर्व इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीना बतूल। कैसा लग रहा है आपको लाला हमारे शो पे आए हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग सकता? आपके साथ भी अच्छा लग रहा है। समटाइम मैं आपको जब टिकटॉक्स में देखती थी तो ये कहना नहीं बनता लेकिन मैं अपनी मम्मा के सामने कहती थी अम्मी ये मर जाएगा। क्यों जाऊंगा सर? वो आप इतने स्पिरिट में होते थे, जब मैच हो रहा होता था आप कह रहे थे हम जीतेंगे, ये होने वाला है, ये तो, वो मोमेंट जब होते तो सोचो अगर लाला के टाइम पे मैं स्टेडियम जाया करता तो मैं वाकई मर जाता। ये शुक्र है कि मेरी बारी में आपको ये ख्याल नहीं है कि मर जाएगा। मैं तो बहुत जल्दी होता था सर। एक्चुअली जब आप खेल रहे होते थे तो मेरा क्वेश्चन भी है ये कि जब आप खेल रहे होते तो मैं पिच पे मतलब जिस तरह होते थे मैं टीवी के करीब जाके ना इस तरह करती थी लाला प्लीज छक्का मार दो, प्लीज छक्का मार दो, मतलब जिस तरह ये लाला प्लीज। सोचो लाला भी स्टेडियम में एकदम आवाज कहां से आ रही है। अच्छा अब ये ना बच्ची ने सवाल किए है ना कि छक्का मार दो, मैं ग्राउंड जब भी अंदर जाता ना उससे पहले मैं सोचता था हमेशा कि मैं जाके 5-6 बॉले आराम से पहले खेलूंगा, उसके बाद भी मैं शॉट मारूंगा, लेकिन जैसे ही इंटर ऐसी आवाजें आती थी सर मैं क्या करता।